हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप 15 से 20,000 रुपये के प्राइस रेंज में सैमसंग का एक बेस्ट 5G स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। ये पांचों बेस्ट स्मार्टफोन में से एक है दोस्तों। सभी फीचर्स इन पांचों फोन में नंबर वन देखने को मिलता है। अगर आप इन पांचों स्मार्टफोन में से अभी के टाइम में किसी को भी खरीदते हैं तो आपको बाद में कोई भी पछतावा नहीं करना पड़ेगा। कुछ हाईलाइटेड फीचर्स की बात करें तो 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा, काफ़ी हाई रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया गया है और दोस्तों कम से कम आपको जो 5000 mAh का बैटरी भी मिलेगा विथ फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। वैसे किसी किसी फोन में 6000 mAh का भी बैटरी दिया गया जो कि काफ़ी अच्छी बात है। साथ में इन सभी फोन में एक पावरफुल प्रोसेसर भी मिल जाएगा, तो जो गेमर्स लोग हैं वो कोई भी गेम हो चाहे पबजी, फ्री फायर या फिर COD, उन सभी गेम को 2-3 घंटे रेगुलर भी प्ले करते हैं इन सभी स्मार्टफोन में, फिर भी आपको कोई भी लैग वैग का इशू या फिर रेटिंग प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा फोन में। तो पाँचों फोन काफ़ी बेस्ट है। तो चलिए इन पाँचों स्मार्टफोन के बारे में हम एक एक करके डिटेल से जानते हैं। तो हमारे लिस्ट में पांचवें नंबर पे आता है सैमसंग गैलेक्सी A14 5G। ये फोन उन यूजर्स के लिए है जो एक बेस्ट डिजाइनर बिल्ड क्वालिटी के साथ लेटेस्ट स्मार्टफोन लेना चाहते हैं सैमसंग का। हाल ही में लॉन्च किया गया है, काफी अच्छे अच्छे फीचर्स के साथ आता है ये फोन। तो चलिए इस फोन के बारे में हम डिटेल से जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डिजाइनर बिल्ड क्वालिटी से। तो बैक और फ्रेम दोनों प्लास्टिक का मिल जाता है, 202 ग्राम का है तो उतना भारी फील नहीं करेगा ये फोन। काफी यूनिक डिजाइन के साथ आता है, लेटेस्ट डिजाइन है, देखने में काफी अट्रैक्टिव लगता है। डेडिकेटेड स्लॉट के साथ आता है, तो 2 SIM कार्ड के साथ 1 मेमोरी कार्ड आप एक साथ यूज कर सकते हैं और इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है जो कि फोन के राइट साइड में पावर बटन में इंटीग्रेटेड है। तो डिजाइनर बिल्ड क्वालिटी के मामले में ये फोन काफी बेस्ट है, आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा। चलिए अब बात करते हैं इस फोन के मेन फीचर्स की। तो स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले से। तो 6.6 इंच का एक बड़ा सा फुल HD प्लस IPS LCD पैनल दिया गया है जो कि 90Hz हाई रिफ्रेश रेट के साथ आता है। काफ़ी अच्छा डिस्प्ले मिल रहा है प्राइस के हिसाब से। वैसे ही ये फोन आपको 14,000 रुपये के प्राइस में ही मिल जाएगा, तो प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा डिस्प्ले दिया गया है। कोई भी ब्राइटनेस प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा अगर आप डे लाइट या फिर आउटडोर में भी फोन को यूज करते हैं। तो बड़ा सा डिस्प्ले दिया गया है, तो गेमिंग करने में और वीडियोज वगैरह देखने में आपको काफ़ी आनंद आएगा। चलिए बात करते हैं इस फोन के कैमरे की। तो इस फोन में ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है, 50 MP का मेन सेंसर मिल रहा है, साथ में 2-2 MP का माइक्रो लेंस और डेप्थ सेंसर, और फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए भी 13 MP का कैमरा मिलता है। तो रियर और फ्रंट दोनों कैमरे से 30 FPS पर 1080p तक में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। कैमरा फीचर्स में नाइट मोड, स्लो मोशन, HDR और पैनोरमा जैसे फीचर्स दिया गया है, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का फोटो आप क्लिक कर सकते हैं इन सभी फिल्टर्स को यूज करके। अगर आपको थोड़ा बहुत लाइट सेटअप का समझ है तो आप अच्छा क्वालिटी में फोटो क्लिक कर सकते हैं या फिर वीडियोग्राफी कर सकते हैं इस फोन से। तो कैमरे में आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। वैसे 14,000 रुपये के प्राइस में एक 5G फोन में और कैमरा सेटअप आपको क्या चाहिए, तो प्राइस के हिसाब से कैमरा काफ़ी अच्छा मिल रहा है। चलिए बात करते हैं इस फोन के बैटरी बैकअप और चार्जिंग स्पीड की। तो 5000 mAh का बैटरी दिया गया है और उसी को चार्जिंग के लिए 15W का चार्जर मिलता है। सो नो डाउट एक दिन तक का बैटरी बैकअप आपको आराम से मिल जाएगा, लेकिन चार्जिंग में आपको स्लो का सामना करना पड़ेगा। 0 से 100% तक चार्ज करने में करीब 2 घंटे तक का समय लगता है क्योंकि ओनली 15W का चार्जर मिलता है 5000 mAh की बैटरी के साथ। तो बैटरी बैकअप काफी अच्छा मिल जाता है, चार्जिंग स्पीड में एवरेज है। अब इस फोन के प्रोसेसर की बात करें तो बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 का काफ़ी अच्छा 5G प्रोसेसर दिया गया है जो कि काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर माना जाता है। तो कोई भी हाई ग्राफिक्स वाले गेम हो उसे आप 2-3 घंटा रेगुलर भी प्ले कर सकते हैं इस फोन में हाई सेटिंग में। तो प्रोसेसर काफ़ी पावरफुल मिल जाता है और एंड्रॉयड 13 के साथ आता है, तो लेटेस्ट वाला OS भी मिल जाता है। तो ब्लॉटवेयर आपको ना के बराबर इस फोन में देखने को मिलेगा। यूजर इंटरफेस काफ़ी क्लीन है, तो परफॉर्मेंस में कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ में दोस्तों डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा है, कैमरा भी आपको रियर कैमरा ठीक ठाक मिल जाता है, बैटरी बैकअप में बेस्ट है, लेकिन चार्जिंग स्पीड एवरेज मिलेगा। तो सैमसंग की तरफ से पांचवें नंबर पे ये काफ़ी अच्छा 5G फोन है जो कि आपको 14,000 रुपये के प्राइस में मिल रहा है, तो आप इस फोन को खरीद सकते हैं। अब हमारे लिस्ट में चौथे नंबर पे आता है सैमसंग गैलेक्सी A42 5G। बेस्ट स्मार्टफोन में से एक है, ये फोन भी काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स के साथ आता है। तो चलिए इस फोन के बारे में हम डिटेल से जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डिजाइनर बिल्ड क्वालिटी से। तो बैक और फ्रेम दोनों प्लास्टिक का मिलता है, बैक पैनल पे कोई भी फिंगरप्रिंट के निशान देखने को नहीं मिलेगा अगर आप फोन को बिना कवर के भी यूज करते हैं तो। हाँ, 203 ग्राम वेट के साथ आता है तो आपको थोड़ा सा भारी फील करा सकता है, बट ओवरऑल डिजाइनर बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। डेडिकेटेड स्लॉट के साथ आता है, तो 2 SIM कार्ड के साथ 1 मेमोरी कार्ड आप एक साथ यूज कर पाएंगे, और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है जो कि फोन के राइट साइड में पावर बटन में इंटीग्रेटेड है और काफ़ी फास्टली भी वर्क करता है। तो डिजाइनर बिल्ड क्वालिटी आपको सिंपल सा देखने को मिल जाता है, आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। चलिए बात करते हैं इस फोन के मेन फीचर्स की। तो हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले से। तो 6.6 इंच का बड़ा सा फुल HD प्लस TFT LCD पैनल दिया गया है जो कि 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। वैसे तो TFT LCD पैनल फुल्ली बकवास होता है, लेकिन फिर भी बड़ा सा डिस्प्ले है और साथ में हाई रिफ्रेश रेट दिया गया है, तो गेमिंग आप काफ़ी स्मूथली कर पाएंगे।
वीडियोज़ वगैरह देखने में आपको काफ़ी आनंद आएगा। वहीं अगर आप 4G फ़ोन के साथ जाते हैं 15,000 रुपये के अंडर में किसी भी फ़ोन के साथ, तो आपको एमोलेड डिस्प्ले जरूर देखने को मिलेगा, वो भी सैमसंग के फ़ोन में। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 5G फ़ोन है तो आपको जो है थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ेगा, तो डिस्प्ले आपको काफ़ी ठीक ठाक मिल जाता है प्राइस के अकॉर्डिंग। चलिए बात करते हैं इस फोन के कैमरे की। तो ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ ये फोन आता है। 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर दिया गया है, साथ में 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड के लिए आता है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है। और फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। रियर कैमरे से 30 FPS पर 1152 तक में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और साथ ही फ्रंट कैमरे से 30 FPS पर 1080p तक में। तो इस फोन का रियर कैमरा तो काफ़ी बेस्ट देखने को मिल जाता है पिछले वाले फोन से, सेल्फी कैमरा एवरेज मिलता है। और कैमरा फीचर्स में नाइट मोड, स्लो मोशन, HDR और पैनोरमा जैसे फीचर्स मिलता ही है, तो कैमरा में काफ़ी ठीक ठाक है। रियर कैमरा काफ़ी बेस्ट मिल जाएगा, सेल्फी कैमरा एवरेज ही। बात करते हैं इस फोन के बैटरी बैकअप और चार्जिंग स्पीड की। तो पिछले वाले फोन की तरह इस फोन में 5000 mAh का बैटरी दिया गया और चार्जिंग के लिए 15 वाट का चार्जर, तो इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है, बैटरी बैकअप आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, चार्जिंग स्पीड स्लो देखने को मिलेगा। 0 से 100% तक चार्ज करने में करीब 2 घंटे से ऊपर का समय लग जाएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते और बात करते हैं इस फोन के प्रोसेसर की। तो बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 का 5G प्रोसेसर दिया गया है, जो कि काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है। पिछले वाले फोन में यही प्रोसेसर देखने को मिल रहा था, तो कोई भी हाई ग्राफिक्स वाले गेम को आप जो है इजिली 2-3 घंटा रेगुलर प्ले कर सकते हैं फुल सेटिंग में। और काफी लेटेस्ट OS के साथ आता है, एंड्रॉइड 13 पे बेस्ड, One UI कोर 5 पे वर्क करता है, तो यूजर इंटरफेस काफी क्लीन मिल जाएगा। थोड़ा बहुत ब्लॉटवेयर मिलेंगे लेकिन आप उसे अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा है प्रोसेसर, मल्टीटास्किंग वगैरह को भी काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेता है। तो डिस्प्ले बेस्ड मिल ही रहा है, सिर्फ TFT LCD पैनल है, तो आपको जो है थोड़ा बहुत बकवास देखने को मिलेगा, बट ओवरऑल डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है, कैमरा भी आपको काफ़ी बेस्ट मिल जाता है, बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा है, चार्जिंग में स्लो का सामना करना पड़ेगा और परफॉर्मेंस में तो नंबर 1 है ही। तो सैमसंग की तरफ से 4th नंबर पर यह काफ़ी अच्छा 5G फ़ोन है, आप इस फोन को खरीद सकते हैं। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन 5 स्मार्टफोन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं और इनमें से जो भी फ़ोन आपको पसंद आता है उसे आप खरीद सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारे लिस्ट में आने वाले 3rd नंबर वाले फ़ोन की। तो 3rd नंबर पे आता है सैमसंग गैलेक्सी M32 5G। ये फ़ोन उन सभी स्मार्टफोन से थोड़ा सा अलग देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन के साथ आता है। ये फ़ोन का डिज़ाइन आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, बैक और फ्रेम दोनों प्लास्टिक का ही मिलता है, काफ़ी शाइनिंग डिज़ाइन के साथ आता है। लेकिन दोस्तों इसमें आपको हाइब्रिड स्लॉट ही मिलता है, तो 2 SIM कार्ड एक साथ यूज़ कर सकते हैं या फिर 1 SIM कार्ड के साथ 1 मेमोरी कार्ड। और ये फ़ोन 205 ग्राम वेट के साथ आता है, तो आपको थोड़ा सा भारी ज़रूर फील कराएगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें आपको जो है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, जो कि काफ़ी फास्टली वर्क करता है। डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के मामले में सैमसंग का कोई भी फ़ोन जो 20,000 रुपये के अंडर में आता हो इस फोन को टक्कर दे सके, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी है, आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। चलिए बात करते हैं इस फोन के मेन फीचर्स की। तो स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले से। तो 6.5 इंच का फुल HD प्लस TFT LCD पैनल इस फोन में भी दिया गया है, हाई पीक ब्राइटनेस और हाई रिफ्रेश रेट के साथ आता है, तो थोड़ा बहुत ब्राइटनेस इशू इस फोन में देखने को मिल सकता है अगर आप डे लाइट या फिर आउटडोर में फोन को यूज़ करते हैं तो डिस्प्ले इस फोन में काफ़ी एवरेज सा देखने को मिल जाता है। लेकिन जो इस फोन का बेस्ट फीचर है वो है इसका कैमरा। तो चलिए इस फोन के कैमरे की बात करते हैं। तो इसमें क्वाड कैमरा का सेटअप दिया गया, 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिल रहा है, साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड के लिए और 5 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस मिलता है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। और फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए भी 13 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। रियर कैमरे से 30 FPS पर 4K तक में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और फ्रंट कैमरे से 30 FPS पर 1080p तक में। तो काफ़ी अच्छा कैमरा में, कैमरा में आपको नाइट मोड, स्लो मोशन, HDR और पैनोरमा जैसे फीचर्स मिल ही जाएगा, तो कैमरा में ये इस फोन को जो है टक्कर नहीं दे सकता है सैमसंग का कोई भी फोन 20,000 रुपये के अंडर में। स्पेशली ये फोन कैमरा के लिए ही जाना जाता है, क्योंकि जो माइक्रो लेंस है वो भी आपको 5 मेगापिक्सल का मिल रहा है। तो अगर आपको 20,000 रुपये के अंडर में सैमसंग का एक बेस्ट 5G कैमरा फोन चाहिए, तो आप इस फोन के साथ जा सकते हैं। चलिए अब इस फोन के पावर हाउस की बात करते हैं। तो 5000 mAh का बैटरी दिया गया और उसी को चार्जिंग के लिए 15 वाट का चार्जर मिलता है, तो सभी फोन की तरह इस फोन में आपको 1 दिन तक का बैटरी बैकअप आपको आराम से मिल जाएगा अगर आप एक हैवी यूजर हैं फिर भी, और आपको एवरेज चार्जिंग स्पीड मिलेगा। और बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए भी मीडियाटेक डायमेंसिटी 720 का काफ़ी अच्छा 5G प्रोसेसर दिया गया, जो कि 7 नैनोमीटर पे बना है, तो प्रोसेसर भी काफ़ी हैवी मिल जाता है, कैमरा में तो कोई फ़ोन इस फोन को टक्कर दे ही नहीं सकता है। तो सैमसंग की तरफ से ये काफ़ी अच्छा 5G फ़ोन है, 3rd नंबर पे आता है, काफ़ी अच्छा अच्छा फीचर्स दिया गया है, डिस्प्ले में एवरेज है और आपको जो है प्रोसेसर काफ़ी पावरफुल मिल जाता है। इस फोन का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप इस फोन को खरीद सकते हैं।
तब हमारे लिस्ट में सेकेंड नंबर पे आता है सैमसंग गैलेक्सी M33 5G। ये भी काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, बहुत ही ज़्यादा सेल हो रहा है। ये फोन 20,000 रुपये के अंडर में सभी फीचर्स काफ़ी अच्छे इस फोन के देखने को मिलता है। तो चलिए इस फोन के बारे में हम डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस फोन के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो बैक और फ्रेम दोनों इस फोन का प्लास्टिक का मिलता है, लेकिन दोस्तों 215 ग्राम का है तो ये फोन आपको थोड़ा सा ज़्यादा भारी फील कराएगा। एक हाथ से यूज करना उतना आसान नहीं होगा। डेडिकेटेड स्लॉट के साथ आता है, तो 2 सिम कार्ड के साथ 1 मेमोरी कार्ड आप एक साथ यूज कर पाएंगे। साथ ही साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है, जो कि फोन के राइट साइड में पावर बटन में इंटीग्रेटेड है। डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के मामले में उतना खास नहीं है फोन, एवरेज सा डिजाइन देखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं इस फोन के हाईलाइटेड फीचर्स की। तो हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले से। तो 6.6 इंच का एक बड़ा सा फुल HD प्लस TFT LCD पैनल दिया गया है, जो कि 120Hz हाई रिफ्रेश रेट के साथ आता है। साथ ही डिस्प्ले पे प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 को यूज किया गया है, तो काफी हैवी डिस्प्ले मिल रहा है। हाई रिफ्रेश रेट के साथ आता है ये बड़ा सा डिस्प्ले, गेमिंग काफी स्मूथली कर पाएंगे, वीडियो वगैरह देखने में आपको काफी आनंद आएगा। डिस्प्ले में आपको इस फोन की तरफ से कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। चलिए बात करते हैं इस फोन के कैमरे की। तो इस फोन में क्वाड कैमरा का सेटअप मिलता है, 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर दिया गया है, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड के लिए आता है, साथ ही 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस और डेप्थ सेंसर दिया गया है। और दोस्तों फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। रियर कैमरे से 4K तक में वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है, साथ ही फ्रंट कैमरे से 30fps पर 1080p तक में वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है। तो काफी अच्छा कैमरा सेटअप दिया गया है। कैमरा फीचर्स में नाइट मोड, स्लो मोशन, HDR और पैनोरमा जैसे फीचर्स मिलेगा। तो कैमरा में काफी अच्छा है ये फोन, रियर कैमरा काफी अच्छा मिल जाता है, सेल्फी कैमरा इस फोन का एवरेज सा देखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं इस फोन के बैटरी बैकअप और चार्जिंग स्पीड की। तो 6000mAh का बैटरी दिया गया और उसी को तेजी से चार्जिंग के लिए 25W का चार्जर मिलता है, जो कि काफी अच्छा है। चार्जिंग स्पीड भी आपको थोड़ा सा फास्ट देखने को मिलेगा उन सभी स्मार्टफोन से, और साथ ही बैटरी बैकअप भी आपको काफी वेस्ट मिलेगा। अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं तो आराम से आप जो इस फोन को 2 दिन तक यूज कर सकते हैं। अगर आप एक हैवी यूजर हैं फिर भी आप जो है 1.5 दिन तक आराम से इस फोन को यूज कर पाएंगे। तो बैटरी बैकअप में तो इस फोन की तरफ से आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, साथ में चार्जिंग स्पीड भी काफी अच्छा है। चलिए अब इस फोन के प्रोसेसर की बात करते हैं। तो बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए एक्सिनोज 1280 का काफी अच्छा 5G प्रोसेसर दिया गया है, जो कि 5 नैनोमीटर पे बना है। तो डिस्प्ले और कैमरा के साथ साथ इसका जो प्रोसेसर है वो भी काफी बेस्ट देखने को मिल जाता है। काफी हैवी प्रोसेसर है, तो कोई भी हाई ग्राफिक्स वाले गेम हो उसे आप 2-3 घंटा रेगुलर भी प्ले करते हैं इस फोन में फुल सेटिंग में, फिर भी आपको कोई भी लैग बैग का इशू देखने को नहीं मिलेगा। एंड्रॉइड 12 के साथ आता है, 1 UI 4.1 पे वर्क करता है, तो यूजर इंटरफेस इसमें आपको काफी क्लीन देखने को मिलेगा। ओवरऑल फोन के बारे में कहा जाए तो डिस्प्ले हाई रिफ्रेश रेट वाला बड़ा सा मिल ही रहा है, कैमरा भी आपको 4K तक में वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देता है, बैटरी बैकअप में तो कुछ कहना नहीं है, प्रोसेसर भी काफी अच्छा है ही। तो सैमसंग की तरफ से सेकेंड नंबर पे काफी अच्छा फोन है, आप इस फोन को खरीद सकते हैं।